गोदरेज प्रॉपर्टीज लोकल डेवलपर के साथ मिलकर बनाएगा सोना रोड पर हाउसिंग प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट डेवलपर गोदरेज ने यह निर्णय लिया है कि वे लोकल डेवलपर के साथ मिलकर सोना रोड पर हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह हाउसिंग प्रोजेक्ट गोदरेज का पहला प्रोजेक्ट होगा सोना रोड में और 8वां प्रोजेक्ट होगा दिल्ली NCR में। दिल्ली में 11 व्यावसायिक टावर्स का ऑनलाइन ऑक्शन करेगी NBCC। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने यह फैसला लिया है कि वे 12,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दक्षिण दिल्ली में स्थित 11 व्यावसायिक टावर्स का ऑनलाइन ऑक्शन करेगी। NBCC के CMD अनूप कुमार मित्तल का ये कहना है कि कुल मिलाकर 12 टावर्स है, जिनमें से एक टावर को पहले से ही बुक कर लिया गया है। 2 टावर्स का ऑक्शन अगले हफ्ते होगा और बाकी बचे टावर्स को अलग अलग चरणों में ऑक्शन किया जाएगा। UP बोर्ड के बड़े फैसले में अलग अलग आय समूह को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत UP हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वे अलग अलग आय समूह को सब्सिडी प्रदान करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिनकी आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है, वे 6.5% की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। कम आय वर्ग के लोग भी इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। प्राइवेट एजेंसी अर्न्स एंड यंग करेगी ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़े फैसले में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा में स्थित सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर निगरानी रखने के लिए प्राइवेट एजेंसी अर्न्स एंड यंग को ये काम सौंपा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का ये कहना है कि वे अर्न्स एंड यंग को सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का डेटा लाकर देंगे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बढ़ रही है प्रॉपर्टी की डिमांड। मुंबई के अंधेरी ईस्ट को जाना जाता था इंडस्ट्रीज के लिए, पर कुछ समय से यहाँ पर बढ़ रही है घरों की डिमांड। कुछ समय पहले तक यहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज थी और अब धीरे धीरे ये जगह घर खरीदारों को पसंद आने लगी है। यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर बहुत से बिल्डर्स भी यहाँ घर बनाने का फैसला कर लिया है।